हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली ट्रस्ट के चेयरमैन एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्यारे खान ने गुरुवार को महल के नाइक रोड परिसर में स्थानीय मुस्लिम समाज बंधुओं से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। इस समय उनके साथ विशेष रूप से समाज के कई लोग मौजूद थे। इस बैठक के दौरान प्यारे खान समेत स्थानीय मुस्लिम बांधव मौजूद थे, जहां मौजूद लोगों ने मंच के समक्ष अपनी समस्याएं बताई, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, जिसके चलते सभी मुस्लिम भाई दिन भर अपना फर्ज अदा करते हुए रात के समय समाज के उत्थान एवं प्रगति के विषय में चर्चा में सहभाग लेते हैं। ऐसी संकल्पना के तहत हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अली ट्रस्ट के चेयरमैन एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्यारे खान ने गुरुवार को महल स्थित नाइक रोड परिसर में स्थानीय मुस्लिम समाज बंधुओं से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। इस वक्त प्यारे खान ने समाज के उत्थान एवं प्रगति के विषय में समाज से अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। लगातार आप मुस्लिम समाज के बीच में मीटिंग कर रहे हैं, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? नहीं, ये तो आप देख रहे हैं कि मुसलमान अब जाग रहा है। ये मैं मस्जिद अल्फुद्दीन वाले कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमको बुलाया और समाज के जो है वो मुद्दे, हमको जो तकलीफें है वो बताए। उन्होंने बताया कि पिछले 500 साल से हम जिनको वोट देते आ रहे, उन्होंने इनका कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं किया। इनके छोटे मोटे इशू है, बहुत बड़े इशू नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी इनके इशू विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनका मसला जो है और इनका लीगल मसला है वो एकदम सॉल्व हो जाए। आम जनता की दरकार होती है रोटी, कपड़ा, मकान और बुनियादी सुविधाएँ, बुनियादी सुविधाएँ मुसलमान तक, हर मुसलमान तक पहुँचे, इसके लिए क्या प्रयास? देखिए, इसी के लिए प्रयास हो रहा है कि अभी मुसलमान जाग चुका है, वो हिंदू मुसलमान में झगड़े में पढ़ना नहीं चाहता। अब उसको क्या एजुकेशन चाहिए, उसको अच्छा हेल्थ चाहिए, उसको अच्छा यानी बिजनेसमैन बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है। तो मुसलमान अब जाग, जो इन्होंने पिछले कई सालों से मुसलमानों के जो दिलों में नफरत फैला के रखी थी, अब वो धीरे धीरे नफरतों के जो बीज है वो निकल रहे हैं और मुस्लिम अब जो है ना एजुकेटेड हो चुका है और वो भी अपनी तरक्की चाहता है और वो इस हिंदू मुसलमान के खेल में से निकलना चाहता है। इस दौरान स्थानीय परिसर में मौजूद लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।